हे गाइस, बैक ऑन हो चुके हैं जीके। तो गाइस, आप सभी को पता है कि पुड्डा क्लर्क का जो रिजल्ट है, मेरिट वाइज रिजल्ट, वो आ चुका है। आप सभी ने अपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। अब आप सभी के माइंड में यही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी टाइपिंग टेस्ट के लिए, एंड इसकी जो टाइपिंग होगी वो कब होगी, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, एंड टाइपिंग टेस्ट कब होगा, एंड टाइपिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगा। ओके, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन हैं वो आप कभी मिस ना कर पाएं। ओके, एंड मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे harry_kashyap8। वहाँ पे आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं, टोटल वैकेंसीज है कितनी, क्योंकि हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैकेंसीज के बारे में बता दूं, टोटल जो वैकेंसीज थी वो थी 41। ओके, 41 वैकेंसीज थी, कैटेगरीज वाइज आप सभी को पता ही है, देख सकते हैं आप। तो कुल मिला के 41 वैकेंसीज हैं, कम वैकेंसीज हैं, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं। क्वालिफाई देखिए, आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि 40 मार्क्स जिसके हैं, 40 या 40 प्लस जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स होंगे वो इस एग्ज़ाम में पास हैं। तो सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स के 40 से ऊपर मार्क्स हैं या फिर 40 हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया। जिनके 40 से कम हैं वो फेल हो चुके हैं। ओके, तो पहला स्टेप तो आपने पास कर लिया जिनके 40 प्लस मार्क्स हैं। अब बात करते हैं कि अगर 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए तो कितने कैंडिडेट्स का नाम आ सकता है। तो आपको अपने ओपन लिस्ट तो चेक करी होगी, ओपन लिस्ट में अगर 10 गुना कैंडिडेट्स को बुला लिया जाए, 10 गुना कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा तो 410 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। ओके, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, 41, टोटल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा 410, 410 में आपकी सिलेक्शन होगी। ओके, ये एक्सपेक्टेड है, अभी ऑफिशियल कुछ नहीं आया कि 10th टाइम बुलाएंगे या 15th टाइम बुलाएंगे या फिर सारे बुला लेंगे, हम एक्सपेक्टेड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो गाइज अगर 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो 410 कैंडिडेट्स, अगर आपका रैंक 410 है या इससे ऊपर है तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप 100% श्योर हो जाइए, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया ही जाएगा, चाहे 10% 10वां हिस्सा कैंडिडेट्स को बुलाया जाए या फिर 20 हिस्सा बुलाया जाए या फिर 40 प्लस सभी को बुला लिया जाए। जो कैंडिडेट्स 410 के ऊपर रैंक वाले रैंक में हैं उन सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये तो लिख के ले लो आप। ओके, तो इसके लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 59.25। ओके, 59.25 के ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी जोरों शोरों से कर दो। ये मत सोचो कि आपके मार्क्स 60 आएगा या नहीं आएगा, ये मैं क्लैरिटी आपको बता रहा हूँ। 59.25 के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो 100% आप टाइपिंग की तैयारी कर दो। ओके, अगर नहीं की तो, अगर अभी तक नहीं की तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया ही जाएगा, ये कन्फर्म है बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं, अगर 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो कितने कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा, वो बुलाया जाएगा 615 के, जो टॉप 615 कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। यानी कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, वो रहेगी 56.5। तो अगर आपके 56.5 या इससे ऊपर मार्क्स हैं तो गाइज आपके भी पूरे पूरे चांसेस हैं टाइपिंग टेस्ट में, क्योंकि इन्होंने मेंशन तो किया नहीं हुआ कि 10 गुना बुलाएंगे या 15 गुना बुलाएंगे, ये तो एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि 15 गुना तो मिनिमम बुलाएंगे ही, ऐसा नहीं होगा कि 10 गुना बुलाएंगे, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। एंड आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इसमें जो टाइपिंग होगी वो PSSS बोर्ड की जो टाइपिंग है उससे बिल्कुल अलग होने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स टाइपिंग में भी रह सकते हैं, मैं आपको डीमोटिव नहीं कर रहा, लेकिन आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि इसकी जो टाइपिंग होगी वो थोड़ी सी टफ होने वाली है PSSS बोर्ड से। ओके, तो गाइज अगर आप 615 या इससे ऊपर आपका रैंक है तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ओके, सॉरी गाइज। ओके, तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 56.5। अब बात करते हैं लास्ट में, अगर आपके 40 मार्क्स हैं या उसके ऊपर, तो कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 मार्क्स या इसके ऊपर मार्क्स लिए हैं, तो वो हैं 2613। टोटल पोस्ट कितनी है, 41। तो गाइज देखिए, सीधी सी बात है, 41 पोस्ट के लिए 2613 कैंडिडेट्स को बुलाना टाइपिंग टेस्ट के लिए, ये बोर्ड ऐसा नहीं करेगा, आपको पता है। ओके, हो सकता है कि बुला लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बुलाया जाए, लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि नहीं बुलाया जाएगा इतने कैंडिडेट्स को। पहले हो सकता है कि 15 गुना कैंडिडेट्स को बुला लिया जाए, उसके बाद अगर उनमें से क्वालिफाई नहीं हुए,
उनमें से क्वालिफाई नहीं हुए फिर बुलाया जा सकता है जो नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं। लेकिन 80% ऐसा भी हो सकता है कि 26-13 सभी के सभी कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए। अब बात है कि जो 40 जहाँ फिर इससे ऊपर 40 प्लस वाले जो कैंडिडेट्स हैं जे टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें, तो देखिए कुछ भी हो सकता है। 40 ऐसा भी हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट काफ़ी टफ हो, काफ़ी हार्ड हो, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स उसमें फेल हो सकते हैं। तो अगर आपके 40 मार्क्स हैं तो भी आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप टाइपिंग की तैयारी ना करें और हो सकता है वो लिस्ट अपलोड कर दें और कहें कि 40 वाले भी टाइपिंग के लिए बुला लिए जाएंगे और फिर आपके पास कोई मौका नहीं होगा। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने टाइपिंग की तैयारी नहीं शुरू की, 40 मार्क्स हैं आपके, फिर भी कीजिए यार। अगर आपको बुला लिया जाएगा तो कम से कम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, भले ही फाइनल में आपकी जो मेरिट है वो आपकी मेरिट में आप ना आए, मेरिट ज़्यादा चली जाए, लेकिन आपको टाइपिंग का एक्सपीरियंस तो होगा। ओके, तो जो कैंडिडेट्स 40 से अबव हैं या फिर 40 हैं, तो उनको यही गुजारिश है कि टाइपिंग रेगुलर करते रहिए। उसके बाद PSEB की जो टाइपिंग वो भी होगी, कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। उसके बाद PSSS बोर्ड की वैकेंसीज भी आएगी, हाई कोर्ट की भी आएगी, तो गाइस टाइपिंग की तैयारी तो करते ही रहिए। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट होगा कब। इसके बारे में भी ऑफिशियल तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो दिसंबर के लास्ट में आपकी टाइपिंग हो सकती है। तो बी रेडी, आपके पास बहुत ही कम टाइम है, दिसंबर के लास्ट में आपकी टाइपिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। जनवरी तक जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर के लास्ट में आपकी टाइपिंग होगी। मैंने इनको मेल भी करी है, मेल करके पूछा, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही कोई रिप्लाई आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो गाइज आई होप मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दिया है, अब आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होगी होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करता ही हूँ, आप सभी को पता ही है। ओके, तो गाइज टाइपिंग के लिए आपको मैं टिप्स दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना के आपको उसके बारे में टिप्स दूंगा किस तरह से टाइपिंग आपको करनी है। आपको पता है कि पंजाबी की जो होगी वो होगी रावी फोन में। ओके, तो एंड इंग्लिश की जो होगी उसके लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, दोनों के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। तो देखिए अगर दिसंबर के लास्ट में भी होता है एग्ज़ाम तो एक मंथ से ऊपर आपके पास टाइम बचेगा। ओके, तो एक मंथ भी बहुत है अगर आपने टाइपिंग अच्छी तरह से कर ली। रावी फोंट को सीखने के लिए तकरीबन 40 डेज तो चाहिए, 40 दिन आपको चाहिए रावी फोंट सीखने के लिए। इंग्लिश की तो मोस्टली कैंडिडेट्स कर ही लेते हैं। ओके, तो अगर आप पूरी वीडियो चाहते हैं तो बगैर मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर आपको मैं बताता रहा इसमें। ठीक है, ओके गाइज, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए लेटेस्ट एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में जानकारी। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।